क्लास टीचर. टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर. आपके क्वेश्चन नंबर 3.2 एक्सरसाइज के बिफोर आपको एक्सप्लेन किया गया है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. हम 3.2 सीखने के पहले हमको प्राइम और कंपोजिट नंबर सीखना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है. मैंने आप यहाँ पे एक टेबल हमको गिवन है, ऑब्जर्व द नंबर फैक्टर ऑफ अ फ्यू नंबर अरेंज इन दिस टेबल. हमको नंबर के फैक्टर दिए गए हैं, फिर उस फैक्टर को हमने क्या किया है, काउंट किया है. आप सोच रहे होंगे मैडम प्राइम कंपोजिट नंबर से पढ़ाते पढ़ाते फैक्टर में क्यों आ गए, बट हमको यहाँ पे एक टेबल गिवन है, तो इस टेबल में नंबर्स दिए गए, उनके फैक्टर दिए गए, फिर उस फैक्टर को काउंट किया गया है. तो आप सोचेंगे कि मैडम प्राइम और कंपोजिट नंबर पढ़ाते पढ़ाते टेबल में कैसे आ गई. लेकिन हम प्राइम और कंपोजिट नंबर को जानने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि किस नंबर के कितने फैक्टर आते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ऑब्जर्व द टेबल. आपको नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. ये काउंटिंग नंबर है. अब यहाँ पे फैक्टर दिया गया है, जैसे वन नंबर है. ओके, वन नंबर है तो वन का फैक्टर क्या होगा, वन ही होगा उसका फैक्टर, नंबर इटसेल्फ आएगा. और ये कितने फैक्टर हैं, वन है, तो ये नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, वन. टू का यदि हम फैक्टर निकालते हैं, मैंने फैक्टर और मल्टीपल्स आपको निकालने सिखाया है, तो टू किस टेबल में आता है, केवल वन के टेबल में आता है और टू की टेबल में आता है. ठीक है, तो टू के फैक्टर कितने हो गए, टू फैक्टर हो गए, ये मैंने लिखा है टू फैक्टर. अब थ्री, थ्री नंबर में फैक्टर कितने होते हैं, ये केवल वन की टेबल में आता है, टू की टेबल में नहीं आता है, और थ्री की टेबल में आता है. तो ये थ्री का फैक्टर भी केवल ओनली टू फैक्टर होंगे, वन एंड थ्री. ठीक है, अब फोर में आपका किसकी टेबल में आता है, फोर वन की टेबल में आता है, टू की टेबल में आता है, थ्री की टेबल में ये नहीं आता है. देखिए ना, थ्री टू जै सिक्स, जो कि ये फोर है, और ये आपकी फोर की टेबल में आता है. तो फोर के आपको कितने फैक्टर गिवन हो गए, थ्री फैक्टर गिवन हो गए. अब फाइव की टेबल, फाइव क्या आता है, वन में आता है, टू में फाइव नहीं आता है, थ्री के टेबल में नहीं आता है, फोर के टेबल में नहीं आता है, केवल ये फाइव की टेबल में आता है. मीन्स वन और नंबर इटसेल्फ, मीन्स इसमें कितने फैक्टर गिवन हो गए, टू फैक्टर गिवन हो गए. अब हम नंबर सिक्स को लेते हैं. अब सिक्स को यदि लेते हैं तो ये वन से भी डिवाइड हो जाता है, टू से भी डिवाइड हो जाता है, थ्री से भी आ जाता है, और सिक्स, लेकिन फोर फाइव से ये आपका डिवाइड नहीं होगा, ये लेफ्ट बचेगा. आपको मैंने फैक्टर में सिखाया था कि जब पूरा जो नंबर आपको फैक्टर निकालने के लिए होता है, यदि वो पूरा ही डिवाइड हो जाए, मीन्स उसमें रिमाइंडर ना बचे, तो वो उसके फैक्टर होते हैं. तो ये वन के टेबल में भी सिक्स आता है, टू की टेबल में भी सिक्स आता है, थ्री के टेबल में भी सिक्स आता है, और सिक्स के, बट फोर और फाइव के टेबल में सिक्स नहीं आता. तो आपको यहाँ कितने फैक्टर गिवन हो गए, वन टू थ्री फोर फैक्टर गिवन हो गए. इसी तरह हम सेवन को लेते हैं, तो सेवन में वन आता है और नंबर इटसेल्फ आता है, क्योंकि ना टू में सेवन आता है, ना थ्री में सेवन आता है, ना फोर में, ना फाइव में, ना सिक्स में. तो ये नंबर हो गया और नंबर इटसेल्फ हो गया, वन हो गया और नंबर इटसेल्फ हो गया, तो ये भी टू फैक्टर हो गए सेवन के. एट यदि लेते हैं तो वन की टेबल में एट आता है, टू की टेबल में एट आता है, बट थ्री की टेबल में एट नहीं आता है. आपको सीधे टेबल पढ़ते जाना है तो आपको पता चल जाता है, यदि एट आया, जैसे टू फोर जो एट, तो हम बोल देंगे टू इसका फैक्टर. लेकिन थ्री, थ्री की टेबल में आप पढ़ते जाते हैं, थ्री टू जो सिक्स, थ्री 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 जो नाइन, थ्री फोर जो ट्वेल्व, तो भी हमारा उसमें एट नहीं आ रहा है. मीन्स आपके ये फैक्टर थ्री नहीं है एट का. अब फोर, फोर टू जो एट, लेकिन फाइव में नहीं है, सिक्स में नहीं है, ना ही सेवन में है, ये अब एट में है. तो आपको यहाँ कितने फैक्टर एट के गिवन हो गए, फोर फैक्टर गिवन हो गए. इसी तरह नाइन का देखिए, तो नाइन वन की टेबल में आता है, बट टू में नहीं आता है, थ्री में आता है. इसी तरह फोर फाइव सिक्स सेवन एट की टेबल में नहीं आएगा, ये किस में आता है, सिर्फ नाइन की टेबल में आता है. तो कितने फैक्टर गिवन हो गए आपको, थ्री का. अब टेन यदि देखते हैं तो वन की टेबल में भी टेन आता है, टू में भी आता है, बट थ्री फोर में नहीं आता है, फाइव में आता है आपका, सिक्स सेवन एट नाइन में नहीं आता है, फिर इसके बाद ये टेन में आता है. तो आपको टेन के कितने फैक्टर हैं, फोर फैक्टर हैं. इलेवन में आपका इलेवन सिर्फ वन और नंबर इटसेल्फ है, तो इसके टू फैक्टर आ गए. और ट्वेल्व में आपका वन,
टू में 12 आता है, थ्री में 12 आता है, फोर में 12 आता है, फाइव में 12 नहीं आता, सिक्स में 12 आता है, सेवन एट नाइन टेन में 12 नहीं आता, इलेवन में 12 नहीं आता, इसके बाद आपका 12 में आता है। तो 12 के आपको कितने फैक्टर गिवेन है, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर गिवेन है। तो ये तो हो गई, आप इसी तरह और भी नंबरों का कर सकते हैं, ठीक है, सो ऑन। बट आपको मैं यहाँ ये समझाने के लिए मैंने टेबल बनाया है कि जो नंबर के जितने फैक्टर आते हैं, आप इस टेबल को यदि ऑब्जर्व करें तो वन का केवल वन फैक्टर आता है। इसके बाद बहुत सारे नंबर हैं जिनके केवल टू फैक्टर आते हैं, जैसे टू का, थ्री का, फाइव का, सेवन का, इलेवन का, इनके केवल कितने फैक्टर आ रहे हैं, टू फैक्टर आ रहे हैं। इसके अलावा जो और नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं उसके ज़्यादा आ रहे हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या जांचा, क्या ऑब्जर्व किया, क्या फाइंड आउट किया, तो वी फाइंड दैट द नंबर वन हैज ओनली वन फैक्टर। हमने यहाँ ये ऑब्जर्व किया कि नंबर वन का केवल एक फैक्टर है, नंबर वन का कितना फैक्टर है, केवल एक फैक्टर है, ठीक है, ओके। देयर आर नंबर्स हैविंग टू फैक्टर, वन एंड द नंबर इट्सेल्फ। और यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर हमको प्राप्त हुए हैं जिनके केवल टू फैक्टर है, वन एंड इट्सेल्फ। कौन कौन से हैं वो नंबर, आर टू, टू, थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन एसेट्रा, ठीक है। टेबल में भी आपको समझ में आ रहा है, टू, थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, इसके बाद हम और भी नंबर करेंगे तो हमको और भी प्राप्त होगा। दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर। अब ये कौन से नंबर कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। आप देखिए, आपको मैं प्राइम नंबर सिखा रही थी ना, तो आपको प्राइम नंबर प्राप्त हुआ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके केवल कितने फैक्टर होते हैं, टू फैक्टर। मैं आपको यही बताना चाहती थी इस टेबल के माध्यम से, मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसकी केवल ओनली टू फैक्टर होते हैं, वन एंड नंबर इट्सेल्फ। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, द नंबर अदर देन वन हुज ओनली फैक्टर आर वन एंड द नंबर इट्सेल्फ आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे मतलब द नंबर्स अदर देन वन हुज ओनली फैक्टर आर वन एंड द नंबर इट्सेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर, आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके केवल ओनली टू फैक्टर होते हैं, वन एंड नंबर इट्सेल्फ। मीन्स आप यदि टेबल को एक बार नज़र डालेंगे, टेबल में यदि आप देखेंगे तो आपको टू, थ्री, फाइव, सेवन और 11 कुछ ऐसे नंबर मिल रहे हैं जिसमें ओनली टू फैक्टर, मीन्स वन और नंबर इट्सेल्फ। अब थर्ड आपने क्या ऑब्जर्व किया, देयर आर नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर। अब आपको यहाँ पर बहुत से नंबर ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर, मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर है, लाइक जैसे 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है, जो हमने टेबल बनाई है उसके अनुसार 4 6 4 6 8 9 10 12, तो इसमें क्या है, टू मोर देन फैक्टर्स हैं, ठीक है, मोर देन टू फैक्टर्स है। दीज नंबर आर कंपोजिट नंबर, इन नंबरों को हम कौन से नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब इधर डेफिनेशन भी दी गई, नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, मीन्स वो नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। आपने प्राइम नंबर सीखा, कंपोजिट नंबर सीखा। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं ओनली टू फैक्टर होते हैं, वन एंड जैसे हमने यहाँ पे टू का एग्जाम्पल लिया था, तो वन एंड नंबर इट्सेल्फ, ये आपका कंपोजिट है। थ्री है तो वन एंड थ्री है, सेवन है तो वन एंड सेवन है, ये क्या है आपके प्राइम नंबर, क्या है कि वो नंबर है जिसका नंबर वन एंड नंबर इट्सेल्फ होता है, ओनली टू फैक्टर होते हैं, बट आपके कंपोजिट ये आपके कौन से नंबर कहला गए, प्राइम नंबर कहला गए, ठीक है। और कंपोजिट नंबर वो नंबर कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर आपके वो नंबर कहलाते हैं जिसके कैसे मतलब टू मोर देन फैक्टर होते हैं, दो से ज़्यादा मोर देन टू फैक्टर होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे मैंने लिया था फोर, तो फोर का फैक्टर क्या हो गया, वन टू
फोर, मतलब वो वंस की टेबल में भी आता है, टू की टेबल में आता है, फोर की टेबल में भी आता है, तो इधर कितने फैक्टर हो गए, थ्री फैक्टर। आपको ये डिफरेंस जानना कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके केवल कितने फैक्टर होते हैं, टू फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, टू फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर वो फैक्टर होते हैं जो दो से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा होते हैं आपके, वो कंपोजिट नंबर होता है। अब आप कहेंगे मैडम वन क्या है, वन क्या है, आप हमको वन बताइए कि वन क्या है। तो वन वो नंबर होता है जो ना ही कंपोजिट होता है ना ही आपका प्राइम नंबर होता है, कि वन इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ये आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि विच नंबर इज द नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, कौन सा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो कौन है, वन है। अब प्राइम नंबर क्या है आपके, वो आप जान गए, कंपोजिट नंबर क्या है वो जान गए। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू, टेक केयर।